चमक आयो चंद सो मुख कुंज ते जब निकसी, सुंदर सांवरो किशोर गोहन लाग रहे चकोर, ललिता दिख कुमुदावली निरख नयन विकसी, पहिरे तन श्वेत सारी मानो शरद उजियारी, मानो सुधा सिंधु मध्य दामिनी गसी, कहत भगवान हित राम राय प्रभु प्यारी, वश कीने कुंज विहारी छवि निरख मंद हसी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज रविवार 3 जनवरी 2021 को पोष कृष्ण चतुर्थी को श्रीनाथ जी में आज 5वीं घटा अर्थात रुपहरी घटा के दर्शन है। श्रीनाथ जी में शीतकाल में विभिन्न रंगों की घटाओं के दर्शन होते हैं, अर्थात सर्व वस्त्र साज आदि जब एक ही रंग के होते हैं तो उस दिन के दर्शन को घटा के दर्शन कहते हैं। जैसे कि सभी वस्त्र साज आदि अगर लाल रंग के होते हैं तो उसको उन दर्शनों को हम लाल घटा के दर्शन कहते हैं। आज रुपहरी घटा है। आकाश में वर्षा ऋतु में विविध रंगों के बादलों के छाने से जिस प्रकार की आकाश में घटाएं बनती है, उसी भाव से श्रीनाथ जी में मार्गशीर्ष और पौष मास में विभिन्न रंगों की 12 घटाएं द्वादश कुंजों के भाव से होती है। कई वर्षों पहले चारों युथाधिपतियों के भाव से केवल 4 घटाएं ही होती थी, किंतु गोस्वामी वंश परंपरा के सभी तिलकायतों ने अपने अपने समय में प्रभु श्रीनाथ जी के सुख एवं वैभव के में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरथ किए थे, और इसी परंपरा को कायम रखते हुए नित्य लीलाष्ट गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री ने निकुंज नायक प्रभु के सुख और आनंद हेतु द्वादश कुंजों के भाव से घटाओं को 4 से बढ़ाकर 12 कर दिया, कुल 8 घटाएं बढ़ा दी, और इस प्रकार दूज के चंदा सहित कुल द्वादश घटाएं हो गई जो आज भी चल रही है। इनमें से कुछ घटाएं जैसे हरी श्याम लाल अमरसी रुपैली और बैंगनी ये नियत दिनों पर होती है, और अन्य कुछ घटाएं जैसे गुलाबी पतंगी फिरोजी पीली और सुनहरी घटाएं ऐच्छिक होती है जो बसंत पंचमी से पूर्व खाली दिनों में ली जाती है। ये जो द्वादश कुंज होते हैं वो इस प्रकार है: अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेन्द्र कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज। जिस रंग की घटा हो उसी रंग के कुंज की भावना उस दिन होती है। इसी श्रृंखला में आज पूर्णेन्द्र कुंज के भाव से श्रीनाथ जी में रुपहरी घटा है। आज साज वस्त्र आदि सभी रुपहरी जरी के और माला जी श्वेत पुष्पों की होती है, सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। सभी घटाओं में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में कुछ जल्दी हो जाता है। आज चंद्रमा के भाव से और बधाई के कीर्तन गुसाई जी श्री विठलनाथ जी की बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। कल पोष कृष्ण पंचमी को गुसाई जी के प्राकट्योत्सव का आगम का श्रृंगार धराया जाएगा। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज रुपहरी जरी की पिछवाई सुशोभित की जाती है, गादी तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है, और स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। आज श्रीनाथ जी प्रभु को रुपहरी जरी की चोली सूथन घेरदार वागा और मोजाजी धराए जाते हैं। थाड़े वस्त्र भी आज रुपहरी जरी के ही धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मोती के सुशोभित किए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकंठ में एक दुलड़ा और एक सत्रड़ा हार धराया जाता है। श्रीमस्तक पर रुपहरी जरी की गोल पाक के ऊपर सिरपेच लोम रुपहरी जरी का दोहरा कतरा और शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में आज हीरे के कर्णफूल धराए जाते हैं। आज पूरे दिन श्वेत पुष्पों की माला जी धराई जाती है। मोती की एक अन्य माला हमेल की भांति भी श्रीकंठ में धराई जाती है। पीठिका के ऊपर आज चांदी का चोखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में चांदी के रत्नजड़ित वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं।
खेल के साज में आज पट रुपहरी और गोटी चांदी की आती है। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में आज कीर्तन नंद नंदन वृंदावन चंद, राजभोग में जयती रुक्मणी नाथ पद्मावती, आरती में हो चरणाट पत्र की छैया, शयन में विठल नाथ चंद उग्यो जग में का गायन होता है, जबकि मान के कीर्तन में तेरी रे मनाएवे ते निकोरी लागत और पौड़वे में दो मिल करत भावती बतिया का गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।